अगला प्रश्न देखिए मेरा, ये कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन नंबर 4 की बात हमने की थी, कुछ पार्ट्स हम पहले कर चुके हैं और यहाँ पे आप इसके जो लास्ट पार्ट्स है रहते हैं हमारे पास 3 पार्ट्स, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपके पास जो है देखिएगा, सबसे पहले देखा ये मिक्स नंबर है, मिक्स को आपने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है जी। तो ये बन जाएगा 12 + 12 = 13 और देखिए यहाँ पे डबल साइन है, जब भी डबल साइन होगा उसको आपने सिंगल साइन बनाना जी, ठीक हो गया। तो माइनस माइनस बेटा ये हो जाएगा 4, अब प्लस हो जाएगा बेटा और 4/9। अब सबसे पहले बात फिर वही है कि हमने डिनोमिनेटर बेटा क्या करना होता है, सेम करना, ठीक है। डिनोमिनेटर जब सेम करेंगे तब आप उसके बाद उसको आगे साफ करेंगे। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम करने का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैंने कल बताया था ये 9 है और 12 ठीक है। अगर हम 9 और 12 का एलसीएम लें, 9 और 12 का मतलब है कि जिसको मल्टीप्लाई करें किस नंबर से, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जब दोनों सेम वैल्यू आ जाए। देखिए अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 9 कैसे रहेगा बेटा, 2 6 7, फिर 2 से करूँ अगर ये 9 और ये 2 3 था, अगर आप इसको 3 से करते हैं 3 3 9 और 3 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे जी कैंसिल, 3 1 था और 3 2 2 4 4 3, आपके पास क्या बन जाएगा कि 12 12 3 36। इसका मतलब है इसका जो एलसीएम बन रहा है वो 36 है 2 2 4 4 9 36। Yes, sir. 36 को 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो that will be, अब देखिए 13 थी 39 over 36 plus 4 4 16 over 36। अब देखिए बेटा 36 जो है वो दोनों में आ रहा है, एक दफा लिखेंगे 39 + 16, जब आप इसको ऐड कर रहे हैं 6 + 9 = 15 और 1 आ जाएगा 4 और ये 5 आ जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है जी, और ये आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी तो अब आप उसको क्या करना है बेटा, उसको आपने डिवाइड कर देना, कैसे करेंगे 55 को 36 से करेंगे। देखिए 36 2000 होता है 72, तो ज़ाहिर है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 36 से भाग से करेंगे बेटा ये 36 आ जाएगा। अब 15 में से जब हम 6 निकालेंगे आपका 9 आ रहा है, ठीक है जी। यहाँ पे 4 बजेगा, 4 में से 3 का क्या आ जाएगा 1 आपके पास आ जाएगा। इसके मतलब इसको लिखेंगे कैसे बेटा, यूँ लिखेंगे 119/36, ये आपका आंसर है। एलसीएम लेना जरूरी है, डिवाइड होगा बेटा, एलसीएम इसलिए जरूरी है कि आपने उसका डिनोमिनेटर सेम करना है, देखना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें ताकि दोनों वैल्यू सेम हो जाए। अच्छा जी, और आपको मैंने ये भी कहा था कि जब लेक्चर हो रहा हो तो सुना भी करें, क्योंकि आप लेक्चर सुनते ही और से नहीं है, इसलिए फिर आपको बात समझ नहीं आती। अच्छा जी, अब देखिए माइनस है बेटा, ये भी माइनस है, दोनों में माइनस है, तो ये माइनस से माइनस आप कैंसिल कर सकते हैं, तो दैट विल बी 5/8। उसके बाद देखिए बेटा ये माइनस है और ये भी माइनस है, डबल साइन आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस प्लस 3/7 आ जी। अब फिर वही बात बेटा, देखिए ये 8 है और ये 7 है, दोनों को हमने डिनोमिनेटर सेम करना है। देखिए 7 और 8 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा आंसर 56 क्या बनेगा, yes, 56 बनेगा, ठीक है। अब हम 56 करने के लिए क्या हम डिनोमिनेटर सेम करें, क्या करेंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको 8 7 7 और इसको 8 से करना पड़ेगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसको भी आपने न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे उसी वैल्यू को आपने ऊपर से भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर हम 8 से मल्टीप्लाई करें बेटा, इसको भी हमने 8 से मल्टीप्लाई करें, फोकस हम कर रहे होते हैं डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को आपने सेम बनाना है। हाँ जी, 7 5 35। अब देखिए बेटा टेबल्स का भी रोल है, जब तक बच्चों को टेबल नहीं आएगी अगर आपको गलत करेंगे, ठीक है। 7 8 56 प्लस आ गया बेटा 8 3 24 और 7 8 56। हम बेटा देखिए आप 56 जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, इधर आप देखा बेटा 35 + 24, ठीक हो गया।
अब जब इसको ऐड करेंगे दोनों को तो ये बन गया आपका 59/56। ये फिर बेटा आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई है, तो आप 59 को अंदर रखेंगे और 56 को बाहर, 56 मंदा 56 जी, ये 3 आ गया जी। और लिखने का तरीका आपका यू बनेगा, तो दैट विल बी 1/3/56। ये बेटा आपके पास जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ये क्या प्लस कर रहे थे तो लाइन तो डालेंगे लाइन डालेंगे ये आपके पास नहीं, ये 56 नहीं लिखा हुआ है, 59 लिखे सारी इसके नीचे ये पागल है एक अच्छा पर ये देखिए अब ये लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का 4/11 और ये भी माइनस है और ये भी क्या है बेटा माइनस, तो दैट विल बी प्लस। ठीक है, इसको क्या होगा, इसको क्या है जरा दोबारा फोर ओवर 11 और प्लस 5/20। ये ऐसा ही क्वेश्चन हमने लास्ट पार्ट भी किया था, उसमें भी ये चीज़ आई थी। तो देखिए ये बेटा 11 है, ये 22 है, तो हम इसको आराम से 22 बना सकते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे। अब इसको जरूरत नहीं है क्योंकि 22 आप आराम से बना सकते हैं। हाँ जी, ये बेटा बन जाएगा 8/22 + 5/22। आप देखिएगा यहाँ पे 22 क्योंकि दोनों में आ रहा है डिनोमिनेटर, ऊपर बेटा बन रहा है 8+5। हाँ जी, 8+5 13 13/22 है, तो इसका मतलब है इधर तक आप छोड़ देंगे।